मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन नामक पेंटिंग एग्जीबिशन रखा गया था। इस इवेंट में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र जी और राकेश रोशन जी भी मौजूद रहे। इस मौके पर इन्होंने कई सारे पेंटिंग्स की तारीफ की। जरा आप भी देखिए जितेंद्र जी और राकेश रोशन जी की ये झलकियां। वैसे इस मौके पर जितेंद्र जी और राकेश रोशन जी ने नेशन नाउ से एक्सक्लूसिव बातचीत की। जरा आप भी देखिए जितेंद्र जी और राकेश रोशन जी ने क्या कहा। सर क्या करेंगे, इतनी सारी पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये बहुत डीप स्टडी है, जो पेंटर ने इसको डिपिक्ट किया है, जो कुछ समझाती है, बहुत कुछ समझाते। कौन सी पेंटिंग आपको सबसे ज्यादा पसंद आई जो आप घर लेना चाहेंगे? आपके घर में कोई पेंटिंग है जो काफी स्पेशल है? हमारे घर में तो सिर्फ फोटो लगी। सर कई सारी फिल्मों का सीक्वल आ रहा है, तो आपकी कोई ऐसी फिल्म जिसका सीक्वल आप बनाना चाहेंगे? कई सारी फिल्मों का सीक्वल आ रहा है, तो आपके ऐसी कोई फिल्म जिसका आप सीक्वल बनाना चाहेंगे, पसंद करेंगे? आपकी कोई फिल्म? मैं तो भूल ही गया हूं कि मैं कभी एक्टर था। जब मौका लगता था ऐसे कोई आई एम टिपिकल फिल्मी फैन आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इसी नाम आई एम जितेंद्र कपूर कीप वॉचिंग नेशन नाउ। सर आपको ये जो पेंटिंग्स है सारी या फिर शोकेस है उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे लगता है? जो नॉलेज है अर्चना जी को और फैमिली को, जो उस बारे में बातें बताई, हर पेंटिंग के बारे में मीनिंग बताई, हर चीज के बारे में हर पेंटिंग बताई, इतना थॉट प्रोसेस होता है पेंटिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कौन सी पेंटिंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई जो आप घर लेना चाहेंगे? हम अब्जॉर्व नहीं कर पा रहे हैं, जो आप करेंगे हम जब जाएंगे सोचेंगे कौन सी अच्छी है क्या है। फिर भी एक तो रहेगी पेंटिंग। वेरी गुड, वेरी एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड, वेरी थॉट वेरी गुड। सर आपकी फिल्म आ रही है फाइटर, कितने एक्साइटेड हो आप फाइटर के लिए? क्या कह रहे हर पिक्चर के लिए एक्साइटमेंट होती है। आप फाइटर के लिए क्या कहेंगे? अगर आई की रिलीज पर देखेंगे तो इट शुड बी अ गुड फिल्म।